ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अच्छा पास्ता कैसे बनाया जाता है। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, इसे बनाकर मुझे खुशी मिलती है। और अब 17 या 18 सालों के बाद शायद मैं इसे बनाना सीख गया। वो एक नया तजुर्बा था, ऐसी जगह जहां हमें नए तजुर्बे ज्यादातर नहीं मिलते थे। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई शख्स दुनिया में कहीं होगा जो ड्राई पास्ता के साथ इतनी कमाल की डिशेस बनाता हो। हमारे लिए ये सिर्फ पेट भरने तक की चीज नहीं है, बल्कि काफी अहमियत रखती है, कमाल का होता है। चाइना में बहुत ही कम औरतें शेफ होती है, और कामयाब होने के लिए बेहतरीन होने की जरूरत है, और यही वेरोंग के लिए भी है। इन नूडल्स को खाकर ही आप शियान के कल्चर को समझ पाते हैं। पहली नजर में नाइट आपको एक शर्मीली लड़की लगेंगी, लेकिन जब आप उन्हें रसोई में देखोगे, रसोई में उनका कोई मुकाबला नहीं। मेरा मकसद था कि मैं कंबोडियन कल्चर को लोगों के सामने ला सकूं। नाइट के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपको ये बात एवन फंकी के बारे में जानना जरूरी है कि उन्होंने सबसे मुश्किल रास्ता अख्तियार किया है, और वो पास्ता अपने हाथों से बनाते हैं, ना कि मशीन से, और इसमें परफेक्शन चाहिए। हुनर की बारीकियों पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि वक्त ही नहीं होता। ये मुश्किल काम है, इसीलिए मैंने इसे चुना है। मैं कोई मुश्किल काम करना चाहता था, जो मुझे मिल गया उसके बाद मैंने मुड़ कर नहीं देखा।